शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको पहले मेरे पाकिस्तान दी आवाम हूँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जमशेद अली खान अल मरूफ अच्छी ठेकेदार, मेरे नाल मेरे भाई सरदार बड़ी खान ते कुछ गालियाँ हैं सारे दंगल के हवाले नाल जरा 15 दिसंबर को बावरपुर हुई थी है, वो गालियाँ मैं आवाम में डिस्कस करना चाहना ते 2 मिनट खाली आवाम दे गिनसा ताकि पता लग मुझे जो क्या है क्या। देखो जी, अगर मैं अपने मुँह तारीफ करा बैठा कि भाई असर जो वादे किए हैं आवाम में पूरे करते हैं, वो आवाम नहीं किए हैं। सर सब को पहले वादा है कि असा इंशाल्लाह भावलपुर स्टेडियम के कुश्ती दिखेंगे पे हैं, जो 5 साल रुकी हुई वो कुश्ती भी दिखा दी। उन सारा वादा है कि असा जंगले के ताले ला के कुश्ती करे, हूँ चाहिए सरदार बड़ी खान के जेब भी चौथे जंगला भी लगे, कुश्तियाँ भी थे, फैसला भी थी है, आवाम भी दिखे है, लू थी गए, वो वादा वफा थी गया। तीसरी गाल कुश्ती का फैसला करे सू, कुश्ती का फैसला तो अरे सामने थी गई है, कुश्ती भी देखी थी आवाम ने, कुश्ती तो थी है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करे ना अपने पाकिस्तान ने फखर हूँ, फखरे पाकिस्तान अमजद पहलवान छेड़ू हूँ, जैसे पूरे पाकिस्तान की आवाम की इज्जत की थी है, अपनी भी इज्जत की थी, सैरी भी इज्जत की थी, और मैं आपको वादी दफ़ा अप्रिशिएट करे ना कि उन्हें कुश्ती को मन तस्लीम किया, मैं ढह गया कै किस्म का मैं कोई इतराज को नहीं। और उतों बाद मैं अपने रोस्तम एशिया साझा कौमी हीरो इनाम भट्ट रोस्तम एशिया सबका रोस्तम पाकिस्तान उनका बेहद शुक्र गुजार हाँ कि उन्हें भीड़ के उत्ते खड़ के सैनल भरपूर तावन किया है, उन्हें पैसा की परवाह नहीं की, उन्हें कोई हिसाब किताब सैनल नहीं किया, वहाँ के मैं कुश्ती लड़न आया अच्छी खान दी ते बड़ी खान दी और मैं लड़ के वैसा अल्लाह के हुक्म नाल। और अमजद भाई ने भी इो ऐलान किया कि भाई मैं कोई पैसा की कोई जरूरत हो नहीं, मैं इंशाल्लाह कुश्ती लड़ा पे और कुश्ती हूँ लड़के दिखाइए। यह है कुश्ती के मामले के गाल, बाकी रह गई गाल आवाम दी कि भाई आवाम डिसार्ड थी और मौके के उत्ते केरी डिस्टर्बेंस बढ़ी है, केरी वजह थी, वो मैं सिर्फ 2 गालियाँ आवाम को दसना चाहना ताकि मेरी आवाम को पता लगे कि केरी वजह को मसला बढ़े, किमें गाल है कि आवाम परेशान है जो बैठे के दार वाले कितनी है या किमें थी गाल। तो उन बारे में आख सी जी कि देखो दंगल दी परमिशन होंगी है जी डीसी साहब को थी मंजूरी एप्लीकेशन अस डीसी साहब को देने, डीसी साहब के बाद डीपीओ साहब तो वेंदी है, सिक्योरिटी ब्रांच तो वेंदी है, स्पेशल ब्रांच तो वेंदी है, थाने तो वेंदी है, थाने के बाद चौकी तो वेंदी है जी। इन्हें यके जितने भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस अस पूरा किया है, उन प्रोसेस के बाद सह को एक लैटर मिलता है जी NOCU को आखा वेंदा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो मेरे को मौजूद है 6 तरीक से दंगल सहरे को 15 तरीक का, तो 6 तरीक के उ लैटर मेरे को परमिशन मंजूर है जी, मैं हूँ भी चाहिए बैठा और मैं दंगल स्टेडियम भी चाहती खड़ोता हूँ। यो मंजूरी है जी सैको DCO भावलपुर की तरफों, DPO भावलपुर की तरफों, स्पेशल ब्रांच की तरफों, सिक्योरिटी ब्रांच की तरफों, थाना सिविल लाइन की तरफों और चौकी सिविल लाइन की तरफों, ये परमिशन सैको मिली हुई 6 तरीक के उ दंगल मेरा 15 तरीक के उत्ते ठीक थी गया जी। ये थी गई क्लियर, ये आवाम देख की थी। उनके बाद वजह कहनी पड़ी है, डिस्टर्बेंस कहनी पड़ी है, वो ये बड़ी है कि देखो जी जितने भी मुखालिफ हैं आवाम ने दी बैठी है कि असा इन शौक को वधावण कैसे पावरपुर के मैं जिले डेज में खान सूबा तब्दील करके सरदार बड़ी खान मुजफ्फरगढ़ को डिवीजन को हर शायद छोड़ छाड़ के वक्त अपना कीमती निजाम अपने शौक के पिछू अपनी आवाम के वास्ते ये शौक वधावण वास्ते कुश्ती फन कुश्ती को प्रमोट करने वास्ते असा भावलपुर स्टेडियम के दंगल कराया सह कोई तवक्कोआत कोनी है कि उत्थू दे लोग माते मैं कोई गिला कोनी आवाम से फुल अप्रिशिएट किया मैं आवाम का शुक्र गुजार हाँ। उत्थू दे कुछ चंद ऐसे लोग जेरे के ये चाहते हैं कि असा इतना दंगल करूँ या सारे दंगल होवन या सारा ना हो उत्थू को चौथे गिले को जिले तब्दील करके दंगल कराने क्यों है खड़े, उन्हें सारी फुल मुखालफत की थी और सारी जितनी भी ज्यादती की थी आवाम के सामने। नंबर 1, नंबर 2 आखिरी गल ये करे सा कि जैसे टिकट भी चलाई गई है वह भी सारे को मौजूद है और जै चलाई है वह भी सब पता लग गई है सब कुछ है, लेकिन एक बात अभी आवाम ना निकले ना मैं अपने वजह फिरा की मौजूदगी के इंशाअल्लाह ताला ये दंगल भी ठीक ही है, इतू भी दंगल भी दिखेंदे पे है, तो जेडे कुश्तियां सारे रह गए जेडे तलु नींद है जैसे आरिफ जोया बटर मोची शहजाद पचार अली लाड़ आसू मुल्तानी होनी काले बागियल का बच्चा जैद घलू इलावा बह कुश्तियां भी सा पीर जहानिया मेला थी पे मैंने वे बिरा का मेला थी रन होता है
उन्हें उतर से फ्री आवाम को पैकेज देने पे और एक खुला मेला आवाम को दिखेगा मेरा भिरा के सामने मेरा आवाम नलवाद है इंशाल्लाह ये आवाम को मैं खुला मेला दिखा एक कुश्तियां मैं उठा ही दिखा सकना लेकिन सैको कुश्तियां नैन करावा दे जेरा जोर ला के से वही कुश्ती करिए और सैको पता है और सारे रब को पता है अपनी आवाम की मोहब्बत वास्ते हूं रूप का दिन मैं अपने भिरा पर था जो आवाम ने शेर बिल्लाह मैंने शेर तो अल्लाह जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गाल इशारा ये है जेरे मेरे भाई ने पाकू देशन सारे पाकिस्तान की आवाम और भावलपुर की जितों जितों के लोग दाजल तो आए लोग हिंदे तो आए बैठे अपना सदा दीन शाह तो मैं सारे का शुक्रिया अदा करना गाल जेरा भाई ने कीते गुजारिश है अस अमजद पहलवान जेलू का जो ढाढ़ पहलवान की कुश्ती थीली रही है पहलवान ढेंदे ही ढवेंदे हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है जरा वन के आप लोग ऐलान किए और भाई मैं कुश्ती ठीक ही है मेरी तो और कुश्ती का अपनी इज्जत ही बढ़ी है सारी इज्जत ही बढ़ी है बकाया दूजी जे रिश्तों में पाकिस्तान साबिक और एशिया थाना भाई नाम भट्ट अल्लाह बहू पंजा रिश्ता देवे उनके वालिद साहब भी उनके वालिद साहब हैं मेरे भी वालिद साहब हैं उन्हें अबे की जात हैं उन्हें भी सारे नाल कोई यकीन करे सो भाई अवे उन्हें आगे जी जीवे होंगे सारी कुश्ती करो और है पहलवानों ने सारे तावन किए बकाया जिमें भाई आके भी पहलवान जो रहता वो उड़ीक और लड़े बकाया जिमें जाने सही थे पहले मुर्शिद के लिखे ने पे वादा है जिमें अच्छी भई आखी दूजी गाल है जेरी आवाम या उतों की बहावलपुर जिले यो कुश्ती तेरा समेल खां थी सकती है या कुश्ती मुजफ्फरगढ़ थी सकती है या कुश्ती अलीपुर थी सकती है अस बहावलपुर की आवाम को यकीन करें सो भाई उतर रियासत है सारे पहलवान उतों शुरू थे तो उतें ही दिखाओ सारे नाल कोई तावन नहीं किया फुल मुखालफत थी है इंतजामिया की वजह तो ही थी है तो एक गल मेरे को रह गई है जैसे वास्ते मैं एक क्लिप भी बने लगी हाँ वो ये गल है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भावलपुर के राणा मोहम्मद बिलाल साहब मार साहब जनाब इवें बहुत सारे मैं भी अच्छे दोस्त हैं मेरा दोस्त का नाम ना चाहूँगा जी सर रमजान जानी साहब सर मामू माशाल्लाह और इवें बहुत बह अच्छे दोस्त हैं उन्होंने नाल दोस्त हैं चौधरी साहब होने उन्हें सारा सारे बहुत तावन किए उन्होंने भी मैं शुक्रगुजार हाँ और मीडिया जेरे सारे चैनल वाले जितने भाई भी तैयब भाई नुमान गुरमानी भाई सैने मुल्तान को हिंद पे मेरे जहन के ना नहीं लिया पर जितने भी चैनल हैं उन्होंने भी मैं शुक्रगुजार हाँ उन्हें फुल प्रमोट किया सारे दंगल को उन्होंने भी भरपूर तावन है सारे नाल और असा जिमें आख्या कि सारे दंगल जो वीडियो ना हो सी उवे होश होते भी नहीं है ए दंगल देखने उन्हें सब फुल कोपरेट किया मैं उन्होंने भी अप्रीशिएट करे ना और मैं खुश हाँ पूरी आवाम के उत्ते पूरे सारे जितने भी दंगल के इंतजामिया मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना और मैं खास तौर के उत्ते दस्ती बरादरी का कि जिन्होंने मैं मेरा ये सक्का बिरा है पूरे इन्होंने बच्चे भांजे भतरीजे उन्हें यकन में शुक्रिया अदा करना उन्हें वाकया दस्तियों ने दिखा दिता है कि दस्ती कौम वाकया लजपाल और मैं खुश हाँ इस गल के मैं बहुत मुहब्बत मिली है सरदार भट्ट खान को बहुत मुहब्बत मिली है और इंशाल्लाह जे तक जीना ये वड़ा भिराओ सी मैं छोटा भिराओ सा इनकी जी न जियो सी जिंदगी सारी सिलसिला चलती रहा और इंशाल्लाह ताला जी में तो एक पैकेज एक खुशखबरी है कुछ के दिखा के दी से अल्लाह जो कोला जी में जहानियों पीर दरबार के उत्ते सारा मेला थी ना पे जेरे कुश्तियां रह गए नो दिखेने पे और एक वक्त आवाम को बेहद खुशी दी एक सरप्राइज कुछ कुश्तियां रह खड़े वो भी काफी टाइम को नहीं थी पे वो भी सरप्राइज अवाम को देने पे अवाम थोड़ा वेट करे इंशाल्लाह दंगल ही थी सी और मेरे भाई का मेरा इंशाल्लाह वादा है ऐसा अवाम को कुश्तियां दिखेसूँ एक खुला मेला भी दिखेने पे है और अवाम को एक नवा सरप्राइज भी देने पे जी अवाम एक दफा वाद आ सी कि वाकया ये वादे किए से कि जंगला लवेसूँ अल्लाह के हुक्म न लाया से वादा किया से ताला लगती चाबी बड़ी खान करो से वाकया ही है वादा किया से कुछ का फैसला करा करे सू कुछ का फैसला करा नहीं करते इंशाल्लाह अवाम नाल वादा करने पे एक नवा सरप्राइज देने पे इंशाल्लाह वो भी नहीं कहसू जो अस्सलाम वालेकुम मुमताज बड़ी खान दस्ती जो आज मेरे भाई ने जो गाल की थी इवे है मैं मेरे बच्चे और मैं सारी जिंदगी अच्छी भाई दे नाल रासू और इंदे असा सारे खानदान दे शुक्रगुजार है इन्होंने आके सारा इतना मुजफ्फरगढ़ दे विच बड़ी इज्जत की थी ने आके मेरी मेरे जिम्मे आधे पिन दूजी गल इंशाल्लाह ताला सारे मुर्शिद का मेला है और सारे जितना पहलवान अपना मटर पहलवान मोची
आरत पहलवान जोया, अली पहलवान लार और खल्लू आसू मुल्तानी जेरे पहलवानों ने भी सारी इज्जत की थी, कोई इतराज नहीं किया यार, सारी कुश्ती क्यों नहीं थी, उन्हें देख गिदा ये हालात, इंशाल्लाह सारे पहलवान इतने लड़े थे पे इनके को मैं भी बेच पहलवान जरे सावल पहलवान जखाड़ उन्हें कोई लड़े सो बिल्कुल अल्लाह की कसम करके आधे बैठे दुए फिरा साकु कोई परवाह नहीं, मौला पाक ने बहुत कोई टेंशन है गुरु पहले भी कह दी साकु टेंशन करिए हाई इनाम वाली ते अमजद पहलवान वाली ओ सारी फाइनल थी कि आवाम को तो सुरखुरु है इंशाल्लाह दूजी गाल है बाकी पहलवान जरा रह गए उन्हें को सुरखुरु थी सो उन्हें को लड़े दे पे बाकी अगो जी में आधे पे नवा पैकेज या नवे यो इंशाल्लाह ओ भी आवाम को दिखे दे महसूस सारी जिंदगी रह गई कोई नुकसान ये वो असो पासे बदला ही नहीं चाहते इंशाल्लाह।